सो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो यहाँ पे जो मीथेन है, मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनेगा, दैट इज मिथाइल बन जाएगा, दैट इज CH3। सो इट इज़ मिथाइल, ये मीथेन है, ये मिथाइल हो गया। सो ये क्या है, CH3 हो गया। और जो एक हाइड्रोजन है उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे एल्कोहल का, दैट इज़ OH। तो ये क्या हो गया, मिथेनॉल। इसका हम कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे CH3OH एज इट इज़ रहेगा। देन नेक्स्ट इज द इथेन, दैट इज C2H6। C2H6 में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5, एंड फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे OH। तो ये क्या हो गया, इथेनॉल। वैसे ही इसका भी हो जाएगा C3H7OH, प्रोपेनॉल। देन ब्यूटेनॉल, यहाँ पे एक कम हो जाएगा हाइड्रोजन तो 9 हो जाएगा, देन OH। नेक्स्ट इज द C5H11OH। सो ये क्या हो गया, पेंटेनॉल। सो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, दैट इज C2H5OH का। सो यहाँ पे दो कार्बन है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, दो कार्बन है एंड 5, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है। सो दिस इज द इथेनॉल। देन पेंटेनॉल का कैसे लिखेंगे हम, दैट इज CH3CH2CH2OH। नेक्स्ट इज द ब्यूटेनॉल, दैट इज CH3CH2CH2OH। नेक्स्ट इज द पेंटेनॉल, सो 5 कार्बन होने चाहिए, सो यहाँ पे CH3CH2CH2CH2CH2OH। ये क्या है, एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज है। यहाँ पे देखिए हर एक कंपाउंड में क्या है, एल्कोहल लगा हुआ है एंड कार्बन की चेन क्या हो रही है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज़ दी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल।